तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी तो दोनों प्लीज प्लीज कर रहे हैं, लेकिन एक बार बावरी को काम पे रखा तो दोनों का प्रेमला प्रेमली बड़ा चालू हो जाएगा। अरे क्या हुआ नट्टू काका, बंद क्यों किया? सेठ जी आप कब आए? इधर एक मिनट। कस्टमर के सामने ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे थे तुम दोनों? बेहुदा हरकत? हम तो डांस कर रहे थे। अरे पर कस्टमर खड़े हैं, उनके सामने डांस क्यों कर रहे थे? वो कस्टमर को म्यूजिक सिस्टम खरीदनी थी तो उन्होंने कहा गाना बजाओ, तो हमने बजा दिया। तो गाना बजा के डांस करने को भी बोला था? नहीं वो नहीं बोला था। तो फिर क्यों डांस कर रहे थे कस्टमर के सामने? वो क्या है ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, गाना सुनते ही मेरे पैर थिरकने लग जाते हैं। और आपका क्या प्रॉब्लम है? गाना सुनते ही आपके हाथ थिरकने लगते हैं? मेरा प्रॉब्लम शशि कपूर जी है, जैसे ही उनका गाना सुनता हूँ मेरे हाथ लहराने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? खाना, हम एक दूसरे को खाना खिला रहे। ये प्रेमला प्रेमली वेड़ा दुकान में नहीं चलेगा। ये दुकान थोड़ी ना, ये तो गोडाउन है और अभी तो लंच ब्रेक है, इट्स अ मी टाइम। सेठ जी हाँ कहाँ खो गए आप? ज्यादा मत सोचिए, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेट बन के दिखाऊंगी। कैसेट? कैसेट नहीं सेठ जी, एसेट। जो व्यक्ति कंपनी के लिए बहुत काम की हो जाती है उसे कंपनी की एसेट कहते हैं। अरे ये लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। बावरी को कैसे मना करूं? सीधे सीधा मना करूंगा तो नट्टू काका रबा का फिर से नाराज हो जाएंगे, तो ये रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया, एक मिनट मैं अभी आता हूं। तेजी का चले गए? मुझे पता है वो कहाँ गए। कहाँ? गोडाउन, फायर ब्रिगेड को फोन करने। फायर ब्रिगेड? कहाँ आग लगी है? नहीं नहीं, फायर ब्रिगेड मतलब मेहता साहब को फोन करने। अरे फोन उठाइए मेहता साहब, जल्दी फोन उठाइए। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब क्या बोलो, मेरी तो बोलती बंद हो गई है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बावरी आई है मैनेजर का ड्रेस पहन के। क्या मतलब? वो कह रही है कि उसने कहीं से सुना है कि मैं गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैनेजर रखना चाहता हूँ, तो कहती है कि मैनेजर की नौकरी मुझे दीजिए। अरे वाह। अरे वाह क्या मेहता साहब? जेठालाल ये तो अच्छी बात है ना, बावरी एक लड़की है और लड़कियाँ अपने काम के प्रति सिंसियर होती है। सिंसियर क्या? सिंसियर मतलब लड़कियाँ अपने काम के प्रति ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ होती है। नहीं नहीं वो आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन ये बावरी है, ये आम लड़की नहीं है, ये बार बार गलती से मिस्टेक करने वाली लड़की है। अरे हाँ तो एक काम करो, मना कर दो। तो मना करना आसान नहीं है मेहता साहब। क्यों? नट्टू काका और बागा दोनों चाह रहे हैं कि मैं बावरी को ही मैनेजर बनाऊं। नट्टू काका और बागा के चाहने से क्या होता है? उन्हें समझाओ कि मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छी खासी पढ़ाई की होनी चाहिए। पढ़ाई तो वो कह रही है कि उसने की है। अच्छा क्या पढ़ाई की है? ओ MBA। अच्छा MBA? हाँ, और कह रही है कि लंदन से मार्केटिंग का कोर्स भी किया है, सब वो सर्टिफिकेट लेके आई है। तो जेठालाल तुम उसे ही नौकरी पे रख लो, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। अरे अच्छी बात क्या है मेहता साहब, अगर मैंने बावरी को रख लिया तो फिर बागा कोई काम करेगा ही नहीं।
पूरा दिन दुकान में भागा और बावरी का प्रमला प्रमली वड़ा चालू हो जाएगा। अरे हाँ। तो जेठालाल तुम साफ साफ मना कर दो, भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, तुम दुकान के मालिक हो, तुम डिसाइड करोगे किसे नौकरी पे रखना है किसे नौकरी पे नहीं रखना है। बराबर है, लेकिन अब ये नट्टू काका और बागा ने विद्रोह कर दिया है कि मैंने नया मैनेजर रखा तो वो लोग नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं बावरी को नौकरी पे रखता हूँ तो वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वही तो मैं तो सब बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं ये बावरी को नौकरी पे रख नहीं सकता और ये नट्टू काका और बागा के रवैये की वजह से मैं उसे मना नहीं कर सकता। कोई आइडिया बताइए मेहता साहब, इस चक्रव्यूह से मैं कैसे बाहर निकलूं? जेठालाल एक आइडिया। हाँ बोलिए बोलिए। तुम उससे पूछो कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन का कोई अनुभव है या नहीं। अनुभव कहाँ से होगा उसके पास। बस तो बोल दो कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुभव वाला मैनेजर चाहिए। मैंने बोला तो लोग बोल रहे कि सब लोग ऐसा बोल के काम नहीं देंगे तो अनुभव कहाँ से मिलेगा। ये बात भी सही है। जेठालाल एक और आइडिया। हाँ बोलिए बोलिए। तुम बावरी को कोई ऐसा टास्क दो। क्या दो? मतलब तुम बावरी की परीक्षा लो। तुम बावरी से कहो कि तुम उसे नौकरी पे रखोगे, लेकिन उससे पहले उसे तुम्हारा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मतलब कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो, वो कर ही ना पाए। अरे क्या आइडिया दिया है आपने, जबरदस्त जबरदस्त। क्यों, है कोई तुम्हारे पास ऐसा काम? है मेहता साहब है, और ये काम बावरी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह वाह मेहता साहब, मजा आ गया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम। आगे सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी, आप बावरी जी को देख के इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसमें क्या गलत बात है, मुस्कुरा कर ही तो देख रहे, गुस्से से थोड़ी ना देख रहे। लेकिन बावरी जी ये मुस्कुराहट मुझे बहुत डरावनी लग रही है। हो गई मेहता साहब से बात। आपको कैसे पता मैंने मेहता साहब से बात की? अक्सर आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में मेहता साहब की सलाह लेते हैं, इसी से मैंने अनुमान लगाया। हो गई बात मेहता साहब से। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि बावरी को गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजर बना दो। कंगारू बात में उछलना, पहले पूरी बात तो सुन। मेहता साहब ने कहा कि बावरी को गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजर बनाने से पहले उसे एक मार्क्स देना। मास्क? ठीक है मैं पहन लूंगी। मार्क्स मतलब मैनेजर बनने के लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। ओह यू मीन टास्क। हाँ हाँ हाँ, जैसे खेलकूद में गोल्ड मेडल पाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें पार करनी होती है, लक्ष्य का वेद करना होता है, उसी तरह अगर तुम इस परीक्षा में पास हुई तो गोल्ड मेडल के रूप में तुम्हें गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर की नौकरी दी जाएगी। ओके, मैं तैयार हूँ। अरे एक मिनट बावरी जी, ऐसे सीधे हाँ मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए परीक्षा क्या देनी है। हाँ ठीक है, बताइए क्या परीक्षा देनी है। अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करना चाहती हो, अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो, तो हाँ तो तो अरे परीक्षा क्या देनी वो बताइए ना।
बावरी को 24 घंटे के अंदर अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ पेमेंट लाना होगा, 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 नहीं इतनी बड़ी परीक्षा थोड़ी कोई लेता है, ये तो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ये तो चीटिंग है सेठ जी। अरे इसमें चीटिंग क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैनेजर बनना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, और बावरी ने हाँ भी बोला था कि हाँ मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। अरे लेकिन सेठ जी ये बहुत कठिन परीक्षा है। हाँ। बागेश्वर जी जीवन में कुछ कठिन नहीं होता, कठिन होती है तो हमारी सोच। अरे ये कोई दुकान से टॉफी लाने जितनी आसान बात नहीं है। बराबर है बावरी जी, वो धनराज सेठ मार्केट के बड़े बड़े व्यापारियों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको पेमेंट कैसे देंगे? हाँ बावरी बेटा, ये परीक्षा तुम सोच रही हो इतनी आसान नहीं है। पिछले 1 महीने से वो धनराज सेठ ना ही किसी के फोन उठा रहे हैं, और अगर मिलने जाओ तो मिलते भी नहीं है। दिस टास्क इज इम्पॉसिबल। हाँ सेठ जी, जो पेमेंट हम नहीं निकलवा पा रहे हैं वो बेचारे बावरी जी 24 घंटे में कैसे निकलवा पाएंगे? उसी का तो परीक्षा कहते हैं बेटा। बोल बावरी बेटा, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका पेमेंट ला कर रहूं, और वो भी 24 घंटे में, 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 24 घंटे में। अरे ये तो परीक्षा से डरी भी नहीं, बिंदास हां कह रही है, कुछ करना पड़ेगा। लाई क्या रिक्शा भाड़ा? नहीं तो एड्रेस जहाँ से पेमेंट लेना है वो बाका तुझे दे देगा। ठीक है मैं निकलती हूँ। बागेश्वर जी मुझे डिटेल्स मैसेज कर देना। एक मिनट, अगर तू पेमेंट नहीं ला पाई तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कदम नहीं रखूं, 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 कभी कदम नहीं रखूं। सच सच, कोई बहाना बना के भी नहीं, नहीं कस्टमर बन के भी नहीं, नहीं। शाबाश बावरी जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? और क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं 24 घंटे में पेमेंट लेकर आऊं। ठीक है तो फिर तय रहा, अगर तुम 24 घंटे के अंदर पेमेंट लेके नहीं आई तो आइंदा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कदम भी नहीं रखोगी। तुम्हारा समय समाप्त होगा कल इसी समय। अभी कितने बजे? 14 दोपहर के 2 बजे है। तो सीधा सीधा 2 बोला ना, 14 क्या है? आप क्या रेलवे में काम करते हैं? सॉरी। ठीक है तो कल इसी जगह इसी समय यानी कि 2 बजे मैं धनराज सेठ से आपका पेमेंट लेकर आऊंगी। बागेश्वर जी मुझे डीडी भेज दीजिएगा। डीडी? डिटेल्स ऑफ धनराज। ठीक है, ऑल द बेस्ट बावरी जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बावरी बेटा। थैंक यू, बाय। ये बावरी तो परीक्षा के लिए खुशी खुशी मान गई, कहीं सच में पेमेंट लेके आ गई तो। हाँ जेठाल बोलो।
अरे मेहता साहब, मुझे तो लगा था कि परीक्षा का सुन के बावरी ना बोल देगी, लेकिन उसने तो परीक्षा के लिए हाँ बोल दी। अच्छा हाँ। वैसे क्या काम सौंपा तुमने बाबरी को? अरे वो धनराज सेठ के वहाँ मेरा 6 लाख का पेमेंट जो अटका हुआ है वो लाने को कहा, वो भी 24 घंटे के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम सौंप दिया तुमने बाबरी को। वही तो, फिर भी उसने बोला कि हाँ ले आऊंगी। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे वो सच में पेमेंट लेके आ गई तो अच्छी बात है। अच्छा है, लेकिन मुझे उसे मैनेजर बनाना पड़ेगा ना भाई। जेठालाल, तुम्हारा प्रॉब्लम भी यूनिक है, तुम्हें पेमेंट भी चाहिए और बाबरी को मैनेजर भी नहीं बनाना है। वही तो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कुछ मत करो, वेट एंड वॉच। हैं? मतलब कल तक का इंतजार करो। मुझे लगता है कि बाबरी पेमेंट नहीं ला पाएगी। हाँ ना, थैंक यू। आगे जैसे दुकान से। जी बापू जी। क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे तो वो मैनेजर रखने वाला था ना, रखा किसी को? नहीं अभी रखा नहीं है, बावरी आई थी मैनेजर बनने। बावरी? अपने भागा की बावरी? जी। अच्छा, तो तूने उसे रखा? नहीं रखा नहीं है, मैंने उसे काम दिया है। बिना काम पे रखे काम दे दिया? नहीं मतलब काम पे रखने के लिए ही काम दिया है। क्या बोल रहा है तू? मतलब मैंने उसे एक चुनौती दी है बापूजी, एक मुश्किल काम दिया है, अगर उसने वो काम कर दिया तो फिर मुझे उसे काम पे रखना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब? तू नहीं चाहता बावरी मैनेजर बने? नहीं मतलब बावरी का थोड़ा जोखिम है ना बापूजी, वो गलती से मिस्टेक करती रहती है, फिर उसकी वजह से कहीं भागा का भी काम में ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा असमंजस में हूँ। वैसे क्या काम लिया है तूने बाबरी को? बाबू जी एक धनराज सेट करके पार्टी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम ले लिया तूने बाबरी को। हाँ नहीं, काम तो मुश्किल है बापू जी, मुश्किल है। क्या हुआ बागा? नहीं, बावरी जी को फोन कर रहा हूँ नट्टू काका, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन इतनी रात गए बावरी को क्यों फोन कर रहा है? नट्टू काका, मुझे बावरी जी से पूछना है, उन्होंने इतनी बड़ी चैलेंज ले तो ली, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा भी है कि नहीं? वो धनराज सेठ से वो पैसे निकलवाएंगे कैसे? सही बात है, बावरी ने अपने हाथ में गरम घी ले लिया है, न तो उसे खा सकते है न तो उसे फेंक सकते है। बराबर है नट्टू काका, अगर बावरी जी चैलेंज हार गए तो उनका दुकान आना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और आपको तो पता है बावरी जी दुकान आते हैं ये मुझे कितना पसंद है। आई नो बेटा, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। हे माता जी, कुछ भी हो जाए बावरी जी को कल परीक्षा में पास करवा देना, बेचारे बहुत भूले हैं, अगर बावरी जी हार गए और सच में पैसे नहीं ला पाए तो वो मैनेजर नहीं बन पाएंगे। हे माँ, कल की सुबह बावरी जी के लिए सफलता का सूरज उगे ऐसा करना। जेठालाल की दुविधा अनोखी है, उसके हाथ में 2 लड्डू हैं, लेकिन दोनों कड़वे। जेठालाल ने बावरी को चैलेंज दिया है कि अगर वो धनराज से पेमेंट निकलवा लेगी तो जेठालाल बावरी को नौकरी पे रखे। अब अगर बावरी पेमेंट ले आती है तो जेठालाल को उसे नौकरी पे रखना पड़ेगा, और अगर पेमेंट लाने में असफल होती है तो जेठालाल के पैसों का नुकसान हो, और धनराज सेठ से पेमेंट निकलवाना मतलब हिमालय को हिलाने के बराबर है, यानी कि नामुमकिन। लेकिन जो काम बाकी सब नहीं कर सकते वो काम बावरी कर सकती है। क्या लगता है आप, क्या होगा आगे? क्या बावरी इस परीक्षा में पास होगी? क्या वो धनराज सेठ से पेमेंट लाने में सफल होगी? और अगर वो सफल हो गई तो क्या जेठालाल बावरी को मैनेजर की नौकरी देगा? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, आपको इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।